सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की गेट ओपन करती है और कहती है, मास्टर क्रिस सुगु, आपके बच्चे ने जन्म ले लिया। उसकी पत्नी कहती है, ये कितनी सुंदर है ना, देखो क्रिस सुगु, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब क्रिस सुगु कहता है, ईरी मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार होऊंगा। अब ईरी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, आइंस बर्न्स ने इसे अपने सपने में देखा था और शायद इसी कारण से मैं आज तक जिंदा रही। जब मैंने तुम्हारे सपनों के बारे में जाना तब मैंने तुम्हारे सपनों को अपना माना, मैं आज तुम्हारी वजह से ही यहाँ हूँ। अब क्रिस सुगु कहता है, मैं इस बच्चे को संभाल नहीं सकता। अब ईरी कहती है, क्रिस सुगु ध्यान रखो, तुम चाहते हो कि एक ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ कभी किसी को रोना ना पड़े। केवल 8 साल और तुम्हारी फाइट का नतीजा आ जाएगा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा और मैं जानती हूँ पवित्र गैरिल तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, तो प्लीज तुम इस बच्ची इलियास विल को अपने साथ रखो। अब अगले सीन में हम देखते हैं ट्राइनो इटली में 3 साल पहले। एक बंदा कहता है, क्या एक कमांड सील? अब दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम्हारे हाथ का ये मार्क एक सील है, ये बताता है कि तुम होली ग्रेल वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हारे पास सर्वेंट्स को कमांड करने की शक्ति है। किरेई वो भी एक वॉर का एक हिस्सा होता है। अब किरेई कहता है, ये बैटल तो वो करते हैं जिन पर चमत्कार होता है। अब वो बंदा कहता है, हाँ मास्टर के द्वारा उन सर्वेंट्स को चूज किया जाता है जिनके पास मैजिक करने की क्षमता होती है, उन्होंने तुम्हें चूज किया जिसका मैजिक से कोई लेना देना नहीं। अब किरी कहता है, सर्वेंट मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, हम आत्माओं को बुलाकर उन्हें कमांड देंगे। अब वो बंदा कहता है, इस पर विश्वास मुश्किल से होता है मगर ये सच है, पुराने हीरोज इस संसार में जिंदा होकर वापस आते हैं लेकिन किसी को उनके लिए मरना होगा और ये ही है द होली ग्रेल वॉर। अब चर्च का ओल्ड मैन कहता है, वैसे उन्होंने बिना बताए सभी पार्टीज इन्वॉल्व होकर ये एग्रीमेंट किया ताकि वो बैटल सीक्रेटली कंडक्ट कर पाए, तो इस रूल का पता करने के लिए हमने इस चर्च का एक ऑब्जर्वर भेजा। अब किरी कहता है, क्या हम में से कोई सही में एक जज की भांति काम कर सकता है इन मैजिशियंस के बीच के बैटल में? अब वो बंदा कहता है, एक मैजिक एसोसिएशन का मेंबर काफी कम है किसी पार्टी के बारे में पता लगाने के लिए, और अब तक वो जैसा 60 साल से करते आए हैं, तो हमने तुम्हारे पिता को इस बैटल को देखने को कहा। अब किरी कहता है, क्या मेरे डैड भी फुयुकी में आ रहे हैं, लेकिन क्या ओवरसियर के बच्चे को भागीदारी बनने में समस्या नहीं होगी? अब वो बंदा कहता है, चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं, किरी हमने जो भी ये बताया कि तुम थोड़ा उन लोगों के बारे में जान पाओ, लेकिन एक और रीजन है। अब किरी कहता है, तो बताओ वो क्या है? अब वो कहता है, एक्चुअली हमें काफी समय पहले ये पता पड़ गया था कि होली ग्रिल जो फुयुकी में आया था वो असली गॉड का सन नहीं था। अब किरी कहता है, अच्छा इसीलिए हम यहाँ हैं, वरना कब का हमें इसे छोड़ देने का ऑर्डर मिल जाता। फुयुकीज का होली ग्रिल काफी पावरफुल है, वो एक असाधारण विष लेने वाला डिवाइस है, कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, क्या पता वो किसी गलत हाथों में चला जाए। अब वो बंदा कहता है, तो सीधी सी बात है, हमें एक कदम उठाना होगा जिससे फुयुकी की ग्रिल किसी सही हाथ में ही जाए। थोसांग से एक मैजिशियन फैमिली है लेकिन मागिस की एक लंबी फ्रेंडशिप कहानी है चर्च के साथ। हम जानते हैं टोकियोमी कैसा बंदा है और कुछ नहीं तो उसका प्लान और इंटेंशन तो हम जानते ही हैं, वो ग्रिल की जड़ तक पहुंचना चाहता है और थोसांग्स फैमिली की यह अकेली इच्छा है, लेकिन आइंस बर्न्स और मार्टोस भूल चुके हैं वो इच्छा जो हमने उन्हें बताई, कुछ मास्टर बिना बताए चले गए। अब कोई नहीं जानता, क्या पता कोई गलत प्लान ग्रिल के प्रति वो बना रहे हो। अब किरी कहता है, इसका मतलब मेरा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि टोक्यो में थोसांग्स की ही जीत हो। अब वो बंदा कहता है, हम साथ में काम करेंगे पर छुप कर, ताकि हम और 5 मास्टर को हरा जीत सकें। अब वो ओल्ड मैन कहता है, तो इसीलिए तुम्हें चर्च की तरफ से मागेस एसोसिएशन में भेजा जाएगा जहाँ तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे, तुम्हें जापान जाकर मैजिक की पढ़ाई करनी होगी और एक अच्छे मैजिशियन बनो और इन 3 सालों में ये सीखो कि एक सर्वेंट को कमांड कैसे करते हैं। अब बताओ कोई क्वेश्चन है किरी? अब किरी कहता है, सिर्फ एक सवाल कि ग्रेल किस कसौटी पर उसका मास्टर चूज करता है? अब वो बंदा कहता है, ग्रेल उनको वो प्रधानता देता है जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मैंने पहले कमांड सील को अपीयर होते देखा है और कभी कभार जिनसे अपेक्षा नहीं होती वो भी चूज कर लिए जाते हैं। ओ किरी क्या तुम अभी भी अपसेट हो? अब अगले सीन में वो ओल्ड मैन और वो बंदा चर्च पर खड़े होते हैं। ओल्ड मैन कहता है, मेरा बेटा आग में भी कूद जाए अगर उसे चर्च ऑर्डर दे। अब वो बंदा कहता है, सही बताऊं मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसके नजरिए से वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जहां उसका ना होना और होना कोई मैटर नहीं करता। अब वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं शायद कुछ अच्छे के लिए ही वो इस वॉर में है, और कुछ ही दिनों में वो अपनी पत्नी को भी खो देगा, एक नई जर्नी शायद इससे वो अपने घावों को भर पाए। अब 1 साल पहले फुयुकी सिटी में आओई नाम की एक लड़की काफी समय बाद कारिया से मिलती है। अब एक छोटी सी बच्ची दिन खेलती हुई अंकल कारिया के पास भागती हुई आती है और कहती है, क्या आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं? वो उसके लिए एक प्रेजेंट लाया था। अब वो दूसरा गिफ्ट निकालता है सकुरा के लिए। रिन कहती है, सकुरा तो चली गई। अब आओई कहती है, सकुरा आप मेरी बेटी नहीं है, उसे मातो फैमिली में भेज दिया गया। अब कारिया पूछता है, लेकिन क्यों? अब आओई कहती है, तुम अच्छे से जानते हो मातो उस बच्चे चाहते हैं जिनमें मागेस का ब्लड हो। थोसांग्स फैमिली के बड़ों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने पुराने दोस्तों को उन्हें देंगे। मैं वहाँ कुछ भी नहीं कह सकती थी, जब मैंने एक मागेस से शादी करने का फैसला किया तब मैं जानती थी मेरी वहाँ क्या जरूरत है। अब कारिया कहता है, क्या तुम इस सब से खुश हो? अब आओई कहती है, एक क्लेन जो मागे ब्लड रखता है वो एक नॉर्मल फैमिली की हैप्पीनेस को नहीं समझ सकते। अब कारिया कहता है, गलत, जब तुमने उसे शादी करी तब तुम खुशी चाहती थी। अब आओई कहती है, तुमने तो मागे को छोड़ दिया, अब जब भी तुम्हें सकुरा दिखे तो प्लीज उससे प्यार से पेश आना। अब रात को बंदा कहीं आता है, एक बूढ़ा आदमी कहता है, तो नाकामी ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था मेरे यहाँ कभी भी मत आना। अब कारिया कहता है, मैंने सुना है आपने थोसांग्स की दूसरी बेटी को गोद लिया है, क्या जरूरी है मागे मातो में ही हो सकते हैं? अब वो बूढ़ा कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम गलत हैं? ये किसका फॉल्ट है जिससे आज हमारे सारे क्षेत्र कम होते जा रहे हैं? क्या तुम एग्री करते हो मातो की फैमिली का नाम और उनके सीक्रेट तुम बरकरार रखोगे? अब कारिया कहता है, तुम सबको पागल नहीं बना सकते, तुम गैरिल को चाहते हो जिससे तुम फिर से जवान हो पाओ। अब वो बूढ़ा कहता है,
अगले साल 60 साल हो जाएंगे, लेकिन माँ तो उसके पास कुछ भी नहीं है फोर्थ होली ग्रेल वॉर के लिए, लेकिन तुम्हारे पास वो पावर है, तुम्हारे भाई ब्याकुया के पास इतनी पावर नहीं कि वो सर्वेंट संभाल पाए। चलो इसे हम छोड़ भी दें तो हम अगले 60 साल में तो जरूर जीत जाएंगे। तो सांग्स की ये लड़की अपने गर्भ से एक पावरफुल मागे को जन्म देगी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।